गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रश्न ये है जो अर्जुन ने पूछा था भगवान से, अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं सहति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय पराद्यो नियोजितः। प्रभु मुझे ये बताओ कि हम बहुत सारे बुरे काम है वो करना नहीं चाहते हैं, पर जबरदस्ती हमको कोई गर्दन पकड़ के करवा रहा है ऐसा लगता है। ये कौन है जो हमसे नहीं करने वाले काम भी करवा देता है? केन प्रयुक्तोऽयम्, कौन है जो हमको ये प्रेरणा देता है पाप की तरफ? पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि, हमारी इच्छा नहीं है कि हम पाप करें। वार्ष्णेय हे विष्णु वंश में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण, आप मुझे ये बताओ, बला दिव नियोजित, बलात् जबरदस्ती कोई हमको गर्दन पकड़ के पाप की तरफ ले जा रहा है, ये कौन है? भगवान ने तत्काल इसका उत्तर दिया, वहां तो देरी नहीं थी, तो प्रभु थे, झट कह दिया कि अर्जुन तुझे ये भी नहीं पता है, अत केन प्रयुक्त है? काम एष, ये काम है, क्रोध एष, और यही क्रोध है। काम और क्रोध दो नहीं है, काम ही क्रोध है। काम एष क्रोध एष, तो ये आए कहाँ से? रजोगुण समुद्भव, इनकी उत्पत्ति रजोगुण से होती है। और ये कैसे हैं कि महाशनो, ये बड़े खवक्कड़ हैं, खवक्कड़ के आगे ज्यों दो त्यों बढ़ते चले जाए, काम और क्रोध दोनों। रजोगुण से कामना पैदा होती है और कामना में बाधा आते ही क्रोध पैदा हो जाता है। और अगर हमारी कामना पूरी होती रहे, बाधा ना आवे, तो हमको क्रोध कभी नहीं आएगा। क्रोध तभी आता है जब हमारी कामना में बाधा आती है, और कामना में बाधा आई उसी समय क्रोध कहता है कि अब तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा फास्ट फ्रेंड हूँ, अनइनवाइटेड मैं आ गया हूँ, और जब जरूरत पड़ेगी मैं आऊँगा, अनइनवाइटेड आऊँगा। और तेरी बाधा जब भी आएगी कामना के अंदर, उसी समय क्रोध आएगा। अगर कामना पूरी होती रहे, जो हम चाहें वो होता रहे, जो सासु कहे वही बहू करती रहे, बहू को कभी गुस्सा नहीं आएगा, सास को भी कभी गुस्सा नहीं आएगा। और कहा कहा जैसा मैंने चाहा वैसा नहीं किया किसी ने, उसी समय हमको गुस्सा आता है। और अनइनवाइटेड आता है, हम उसको बुलाते नहीं है, वो अपने आप के इतना वो दयालु है, बिना बुलाए आ जाता है, अनइनवाइटेड गेस्ट है वो। कहते हूँ घबराओ मत, तुम्हारे काम में जो बाधा आई है मैं आ गया हूँ। तो ये क्या कारण है इसका? रजोगुण है, रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से पैदा होता है काम और क्रोध। तो ये भाई ने पूछा था ये क्यों पैदा हो जाते हैं, तो ये क्रोध से पैदा होते हैं। क्रोध जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और क्रोध का बाप है काम, ये उसे भी बड़ा दुश्मन है।
और दुश्मन का नाश करो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। दुश्मन का कैसे नाश करें एक समस्या है। चाहते सब हैं कि हमको क्रोध ना आवे। क्रोध पसंद किसी को नहीं है। बेटे पर माँ क्रोध करेगी बेटा भाग जाएगा। जानवर पर क्रोध करोगे जानवर भाग जाएगा। कोई पसंद नहीं करता है कि क्रोध आवे। हम पसंद नहीं करते हैं कि हमको क्रोध आवे। फिर आ ही जाता है। क्यों आ जाता है कि अंदर काम है। काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। क्रोध से बड़ा हमारा दुश्मन कोई नहीं है। अगर हम क्रोध को काबू में कर लें, पर क्रोध काबू में होता नहीं है। कामना को काबू किया जा सकता है क्योंकि क्रोध का बाप काम है। काम ये सब क्रोध है ये सब। अगर काम नहीं होगा तो क्रोध होगा ही नहीं क्योंकि कामना है वो क्रोध की जड़ है। जड़ उखाड़ दो पेड़ नहीं रहेगा तो कामना कैसे उखड़े। गीता में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। गीता हमारी सारी समस्याओं का समाधान करती है। आप गीता पढ़ो आपको मिल जाएगा उनको काबू करने का समय मिल जाएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। पर राइट वे में हमारा एफर्ट होना चाहिए नहीं तो नहीं होगा। आप पछताते रहेंगे। एक शिष्य गया था अपने गुरु के पास हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज ये बताओ कि ये पाप हमारा जो है उनसे कैसे छुटे। हम चाहते नहीं है अनिच्छा न पीवार इच्छा न करने पर भी ये जबरदस्ती आ जाता है फलात बनी होगी तो। और हम ऐसे जाते हैं पाप की तरफ कि बलात् जबरदस्ती कोई हमको गर्दन पकड़ के ले जा रहा है। ये अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने उत्तर दिया ये काम है और काम ही क्रोध है। तो काम में बाधा आई और क्रोध आया समझ में आ जाना चाहिए हमारे। अब इसको कैसे तो शिष्य ने गुरु से पूछा कि महाराज ये बताओ कि मेरा कल्याण कैसे होगा। इस क्रोध को मैं कैसे जीत सकूंगा। कुछ का तरीका है। उन्होंने कहा भैया तुम सबसे पूछ लो जो तुम्हारे अपने हैं उनमें से कोई तुम्हारे साथ जाएगा और कोई तेरा साथ देगा तो तेरा ये काम ठीक हो जाएगा। क्रोध तेरा नष्ट हो जाएगा। गया सबसे पहले उसने पूछा अपनी स्त्री से कि तू मेरे साथ जाएगी अगर मैं मर जाऊंगा तू मेरे साथ चलेगी। स्त्री ने किया गुस्सा चल हट यहाँ से तू मर जाएगा तो क्या मैं भी मर जाऊंगी। मैंने शादी करी है तुमसे मरने के लिए थोड़ी करी है। मैंने तो इसलिए करी है कि तू कमा के लाएगा मुझे खिलाएगा मैं सुख से रहूंगी। मैं इसलिए थोड़ी शादी कही कि मैं तू मरे तो मैं भी मरूं। मैं मरने वाली नहीं हूं तेरे साथ चल हट यहाँ से। उसने देखा ये मेरे साथ नहीं जाएगी। थोड़ा गुस्सा आया फिर कहा गुरु ने कहा कि नहीं अच्छा तेरा जीतना है तो तू इनसे सबसे पहले साथ चले उनको ले ले तेरा गुस्सा छूट जाएगा। तो गया माँ के पास। माँ तू बता। मैंने घरवाली से कहा वो तो नट गई तू मेरे साथ चलेगी। उसने कहा बेटा मैंने तुझे पैदा किया 9 महीने तक तकलीफ उठाई और फिर 2 साल तक तुझे पाला पोसा खिलाया पिलाया बड़ा किया। क्या इसलिए किया था कि मैं मरूं तेरे साथ। तो मैंने इसलिए किया था कि तू बड़ा हो के कमा के लाएगा मुझे खिलाएगा मेरे सुख दुख में मेरी सेवा करेगा। मैंने इसलिए तुझे जन्म नहीं दिया कि मैं तेरे साथ में मरूं। उसने देखा ये माँ भी मरने को तैयार नहीं घरवाली भी मरने को तैयार नहीं। बहन से पूछा
बहन तुम मेरे साथ मरेगी? मैंने कहा भैया मेरी तो जल्दी शादी हो जाए तो मैं दूल्हे के साथ आराम के साथ जाऊं, तेरे साथ मरने के लिए नहीं। अब बहन भी तैयार नहीं। पिताजी से पूछा, पिताजी ने भी साफ जवाब दे दिया। जिस जिस से पूछा घर वालों को सबको, सब ने यही कहा, हमने मरने के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं जुड़ा है। इस उम्मीद से जुड़ा कि तुम कमा के लाओ और हम खाएं, हम मौज करें, बुढ़ापा हमारा आराम मिले, न कि मैं हम मरें तुम्हारे साथ और हम चल के जीप चिताए के अंदर लेटें, ये हमसे नहीं होगा। देखा है कोई नहीं मेरे साथ चलता है, अब मैं क्या करूँ। वापस गुरु के पास जाया, जाने लगा। जब जाने लगा तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, बहुत ही बूढ़ा था, हाथ पैर उसके कांप रहे थे। उसने उससे पूछा, बूढ़े आदमी ने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, भाई हम जा रहे हैं पूछने के लिए, हमारे साथ कोई चलेगा? उसने कहा, मैं चलूँगा। तुम मेरे साथ चलोगे? तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं, न तुम मेरे बाप, न तुम मेरी माँ, न तुम मेरी घरवाली, वो तो सब जो रिश्तेदार थे वो तो सारे नट गए, और तुम बड़े दयालु हो जो नटे नहीं और कहते हो मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, तुम कैसे चलोगे? बोले, भैया पूछने की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ बिना बुलाए चलूँगा, तुम मुझे बुलाओ मत तो भी मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। और तरीका चल मेरा चलने का ये है कि तुम मेरे पीछे चलोगे, मैं तुम्हारे आगे चलूँगा। अब तो बड़ा खुश हुआ कि एक तो आदमी मिला जो रिश्तेदार नहीं है, फिर भी चला चलेगा और कहता है कि तुम मेरे पीछे चलोगे, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। बड़ा खुश हुआ, लौट के आया। गुरु जी ने पूछा, क्यों भाई कोई चलेगा? बोला, गुरु जी कोई चलने को तैयार नहीं है। घरवाली ने साफ जवाब दे दिया, माँ ने साफ जवाब दे दिया, बाप ने, भाई ने, बहन ने, सब ने साफ जवाब दिया कि कोई साथ चलने के लिए नहीं है, सब आराम के लिए हमारे पास आए हैं, हमसे सेवा चाहते हैं, हमसे सुख चाहते हैं और अपना दुख हल्का करना चाहते हैं हमसे, ये तो कोई नहीं हमारा साथ देता है। पर गुरु जी एक आदमी मिल गया मुझे, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, कैसे चलूँगा? वो रख दूँ मेरे पीछे पीछे आना, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। बोले, ये कौन था? तो वो तुम्हारा रिश्तेदार कौन था? बोला, वो मुझे पता नहीं, उसने बताया नहीं ये रिश्तेदारी अपनी। कहने लगे, वो तेरा रिश्तेदार उसको मैं जानता हूँ। गुरु जी ने कहा, बोला गुरु महाराज आप बताओ। गुरु महाराज ने कृपा करी और बता दिया, वो है तुम्हारा कर्म, कर्म तुम्हारे आगे जाएगा, तुम उसके पीछे जाओ। इस संसार में हम आए, माँ हमसे आगे आगे आई, घरवाली वगैरह जो भी हमको मिले हैं ऐसे मिले हैं जैसे हमारे कर्म थे, हमारे कर्म के अनुसार ये सब मिलते हैं हमको। तो ये तुम्हारा कर्म ऐसा है जो तुमसे आगे जाएगा, जहाँ भी तुम जाओगे, तुम पीछे जाओगे ये पहले जाएगा। यहाँ आए हो तो तुम्हारा कर्म तुमसे पहले ही यहाँ आ गया, यहाँ से तुम और जगह जाओगे तुम्हारा कर्म पहले जाएगा। है नहीं तुम्हारा पक्का दोस्त? बोले, पक्का दोस्त ही तुम्हारा कर्म है। अब अगर तुम चाहते हो कि हम पापों की तरफ कैसे बचें, तो ये ध्यान करो कि जो कुछ तुम कर्म करते हो, सोच लो जो मैं कर रहा हूँ ये मुझसे आगे जाएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो किसी में क्या करना है, कर्म करने से पहले कर्म सोच लो और कर्म करो, वो कर्म तुम्हारे आगे जाएगा। कि तुम्हारे बगल में बैठ के दूसरी बहन है, एक थप्पड़ मारो इसे मुंह पर, नहीं नहीं कैसे मारेगा, या थप्पड़ मेरे आगे जाएगी, मैं एक मारूंगी या चार मारेगी। अच्छा थप्पड़ मत मारो, काली गाड़ी दे दो, वो भी मैं एक दूंगी चार दे देगी। जानती है मेरा ये कर्म मुझसे पहले आगे जाएगा और मैं पीछे जाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा, बोले मैंने तुमको बता दिया कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, तुम्हारा क्रोध कैसे मिटेगा, जो कुछ भी तुम कर्म करोगे वो तुमसे पहले तुम्हारे आगे पहुंचेगा और जहां तुम जाओगे वो वहीं मिलेगा। अब जैसा कर्म तुम चाहते हो अपने लिए वैसा करो, मुश्किल नहीं है। समझ में आ गया झटपट? भाई ने पूछा, ये कौन है जो हमको जबरदस्ती का? अर्जुन ने भी यही पूछा। भगवान ने कहा, ये और कोई नहीं है, ये कर्म है, कामना है तेरी। कामना कैसे पैदा हुई? बोले कामना से पैदा होता है क्रोध। तो काम और क्रोध जो है यही तुमको पाप की भाटी में झोंकते। तुम नहीं चाहते हो हम पाप करें, ये करवा देते। तुम करने से पहले, कर्म के करने से पहले ये सोच लो कि यही कर्म हमारे आगे मिलेगा हमको, ये तुम सोचते नहीं हो और कर डालते हो। चाबी हाथ में आ गई, गीता ने हमको चाबी दे दी, जो भी तुम कर्म करो ये बच्ची हमारे साथ है। इसको कई लोग कुछ दे देते, एक ने इसको साड़ी दे दी। साड़ी तो 20 रुपए की थी, इसने 100 रुपए का एक चेक मुझे दे दिया। ये क्यों दिया बेटा? बोला स्वामी जी साड़ी मुझे मिली है, मैं साड़ी ऐसे नहीं लूंगी, चुपता करना पड़ेगा। ये साड़ी के पैसे मैं आपको दे देती हूँ, आप जहाँ चाहो लगा दो शुभ कर्म में, ताकि मेरी साड़ी के पैसे जो है, ये जो मैं साड़ी ले रही हूँ ये कर्म है लेना, ये कर्म मुझे आगे मिलेगा। ऐसा कई जगह था, इसने हजारों रुपये मुझे दिए। अब मुझे इसने दिए तो मैं कहाँ लगाऊँ? वो कर्म मेरा है, मैंने लिया, इसने तो उतार दिया अपना। ये चतुर है। ऐसा हजारों रुपये इसने मुझे दिए, एक बार एक आदमी ने इसको 1 करोड़ रुपया दिया। ये मेरे आंखों देखी बात मैं सुना रहा हूँ, और कोई आपको सतयुग की कथा नहीं सुना रहा हूँ, द्वापर ज्ञातीयता की कथा नहीं सुना रहा हूँ, रामायण नहीं, ये तो बीती हुई बात है, मैंने देखा हूँ। एक आदमी ने यहाँ पर इसको 1 करोड़ रुपया दिया, इतनी श्रद्धा हो गई उसकी इसमें। इसने क्या किया, वो 1 करोड़ रुपया ला के मुझे दे दिया। मैंने कहा ये कहाँ से लाई बेटी? कहते थे मुझे एक आदमी ने दिया, अब मैं इसको ले के कहाँ रखूँगी? ये क्योंकि मुझे मैंने ले लिया तो मेरा कर्म हो गया है, मैं जहाँ जाऊँगी ये कर्जा मुझसे आगे जाएगा, मुझे वापस चुकता करना पड़ेगा। 1 करोड़ मैंने ले लिया, ऐसे ही इसके कितने ये 1 करोड़ से लगा के कितने कई करोड़ रुपए आए इसके पास।
और ये मुझे देती गई, मैं भी लेता गया, अब वो मेरे आगे आगे जाएगा, जाएगा कि नहीं, जहाँ जाऊँगा मेरे आगे वो कर्जा जाएगा, इसका उतारना पड़ेगा मुझे, कैसे उतारूँगा, आप सोच सकते हो, क्योंकि जो मैंने ले लिया है वो तो मुझे देना ही है, और जो दिया है वो मुझे लेना ही है, मैं सोच में पड़ गया, ये तो अपना चुपचाप कर दिया, इसने लाके तो गुरु को दे दिया, गुरु जाने, अब गुरु पड़ गया चक्कर में, गुरु ने कहा बेटा तो मेरे लिए ये चक्कर हो गया कि कैसे उतारूं मैं, तो गुरु जी ने एक बात सोच दी, गुरु जी ने कसम खा ली कि इसके दिए हुए पैसे में से एक पैसा भी मैं नहीं खाऊंगा, न पहनूंगा, तो कभी मैंने आज तक एक पैसे का न तो कपड़ा खरीदा और न एक पैसे का कोई खाना खरीदा, न मैंने एक पैसा खाया इसका दिया हुआ, कि मैंने क्या किया, मैंने कहा ऐसा करो मंदिरों में लगा दो, मंदिरों में लगा दिया, वो 1 करोड़ रुपया का भी मंदिर बन गया, अब मंदिर में रुपया और चाहिए 1 करोड़ की जगह 7 करोड़, तो 7 करोड़ और आ गए, हमने मांगा नहीं किसी से, आ गए अपने आप, यहाँ भी आज कल एक बेटी आई मेरे पास, इतना बड़ा बंडल नोटों का मुझे दे गई, वो कह गई नाम मेरा मतलब बंडल उसने क्यों दिया, मैंने तो उसको दिया नहीं था, मैंने उसे मांगा नहीं था, मेरे बाप ने या मेरे बेटी ने या मेरी घरवाले ने उसके पास जमा नहीं कराए थे कि जब ये आए मेरे हमारा रिश्तेदार तो इसको देना, वो एक कल की बात बता रहा हूँ, इतने सारे नोट थे बंडल का बंडल, नए नए नोट, अब मैंने कहा इसको मंदिर में लगाऊंगा, हमने एक स्कूल खोला है, आपको सुनाऊँ, स्कूल खोला है, उस स्कूल के अंदर बच्चे भर्ती किए हैं और उनके से एक पैसा नहीं लेते हैं, न खाने का, न दवाई का, न किताबों का, न पढ़ाई का, फ्री एजुकेशन, आजकल माँ बाप बड़े दुखी हैं, एक बच्चे को पढ़ाओ और आधे को खिलाओ बराबर है, हजारों रुपए खर्च होते हैं उनके, माँ बाप तंग है पैसे के मारे के, बड़ा पैसा खर्च होता है बच्चे को पढ़ाने में और उसके लिए वो पाप करते हैं, बच्चों के लिए पाप करते हैं, कौन भुगतेगा, कौन उतारेगा, ये नहीं सोचते, हमने तो जो गुरु महाराज ने कहा है कि काम करने से पहले सोच लो कि ये काम ऐसी जगह करो यही तुम्हारे आगे जाएगा, तुम पीछे जाओगे आगे जाएगा, मंदिर बना लिया, अब मंदिर में न मकान के पीछे तो झगड़े हो गए, मेरे 4 बेटे हैं, चारों में मुकदमा चलने लगा, वकीलों ने उनकी हजामत कर दी, सब पैसा ले लिया, केस लड़ते रहे, हार गए, वकील ने कहा अपील करेंगे तुम अपील जीत जाएगा, अपील में फिर हार गया, तब वकील ने कहा मैं क्या करूं, मैंने बड़ी कोशिश करी तुमको बचाने की पर भगवान नहीं चाहते, फिर भगवान पर छोड़ दी, मैंने सोचा वकील भी भगवान से डरता है, अपने भगवान के लिए अर्पण कर दो, मंदिर बना दिया, अब मंदिर में हजारों आदमी जाते हैं, मैं नहीं रहूंगा, मेरे बच्चे नहीं रहेंगे, बच्चे मुकदमा नहीं लड़ेंगे, उनमें झगड़ा नहीं होगा, और क्या हुआ तो वो सब पैसा मंदिर में चला गया, अब मंदिर में हजारों लोग आते हैं, कई हजार लोग आते हैं, और वो बच्चे भर्ती हो गए हैं, बच्चों को खाना फ्री मिलता है, खाना घर से नहीं, फीस नहीं, एक पैसा फीस नहीं, तो उनके खाने के लिए लोगों ने बोरियां की बोरियां भर के भेज दी, आपके यहीं से एक भाई था, क्या नाम था, माँ की जान, कई 1000 रुपए उसने दे दिए, अब मैं वो कहाँ खर्च करूँ,
वो मेरे आगे जाएगा, मैंने वो मंदिर में लगा दिए, विद्यालय में लगा दिया, अब विद्यालय में विद्यार्थी खा रहे हैं, फ्री खाना खा रहे हैं, फ्री कपड़ा पहन रहे हैं, और मंदिर में हजारों लोग जा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो वो पुण्य लूट रहे हैं सबके सब, ये सब मेरे आगे जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कर्म तेरा तेरे से आगे जाएगा, तो जो भी तू कर्म करे करने से पहले सोच ले कि मुझे आगे कौन सा कर्म चाहिए। अगर फिर मैं इसका एक पैसा मैं खा जाऊंगा, मुझे उत्सुकता करना पड़ेगा। और मनुष्य की अभी उसने बताई, मनुष्य शरीर भगवान ने अच्छा बनाया, सबने क्या दी, दो आंखें दी है, इस बेटी से बताया दो आंखें दी है, लेकिन भगवान ने एक पेट भी दिया है, अगर वो मैं खा जाऊंगा वो वापिस मुझे, अगर मैं गधा भी बनूंगा तो गधा बन के मुझे मजदूरी चुकानी पड़ेगी, घोड़ा बनूंगा तो घोड़ा बन गए, अगर पति बनूंगा तो पति बन करके मुझे देना पड़ेगा, कर्म मेरा आगे जाएगा। गुरु जी ने कहा कर्म से आगे जाएगा, तो कर्म जो करना है वो सोच ले आगे तुझे कैसा कर्म चाहिए। तो मुझे यही लगा मंदिर बना लो, तो मंदिर में लाखों आदमी जाएंगे, वहाँ क्या करेगा, इसको डांस तो नहीं करेंगे, गाने तो नहीं गाएंगे, वो जाएंगे वो हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, सबका कल्याण होगा। तब मैंने तब से मंदिर बनाने शुरू कर दिए, कई मंदिर बनाए, कई विद्यार्थियों को बनाया है, और विद्यार्थियों को फ्री भोजन कपड़ा रहता, सब कुछ, सारा खर्चा माँ बाप का एक पैसा खर्च नहीं। अब कई माँ बाप मेरे पास आते हैं, स्वामी जी मेरे बच्चों को आप ले लो, स्वामी जी मेरे बच्चों को आप ले लो, हम कहते हैं लाओ, बच्चे आ जाते हैं और उन बच्चों को फ्री भोजन मिलता है, ये काम यहाँ बैठे, ये बैठे ठाए तो ठाए बट जो जो हाथी गाते हैं ना, ये वहाँ आएंगे हमारे, इन्होंने देखा जब ये आए तब तो 100 बच्चे थे, अब आज 500 बच्चे हैं और अगले साल तक 1000 हो जाएंगे। और आप सबसे यही कहता हूँ कि आपके पास अगर बच्चे हो, आप बच्चे मुझे दो, मैं उनको महापुरुष बनाऊंगा, क्योंकि हमारे वहाँ जो भी बच्चा आएगा वो अबे अरे वो ऐसा नहीं बोलेंगे, तो टेलीफोन भी उठाएंगे तो आप लोग टेलीफोन पे कहते हो क्या अल्लाह हो करते हो ना, तो हमारे यहाँ तो टेलीफोन उठाएंगे तब कहेंगे जय श्री कृष्ण, जब जय श्री कृष्ण बोले तो समझो ये गीता आश्रम के बच्चे हैं, आपसे मिलेंगे तब कहेंगे जय श्री कृष्ण। जो वहाँ आ जाते हैं, एक भाई आए उसने देखा कि बच्चों ने गीता पाठ किया, सारी गीता उन्होंने मुंह जवानी पाठ करी, वो आए मुझसे ही पूछते कि आदमी का मरने के बाद क्या होता है, ऐसी बातें पूछी मुझसे, कई बातें पूछी, भगवान है या क्या, भगवान है तो फिर भगवान ने काम क्यों करवाता है हमको, जो अर्जुन ने पूछा, जो अभी नारी भाई ने पूछा, भगवान हमसे पाप क्यों करवाते हैं, हम तो पाप करना नहीं चाहते, तो उसको मैं क्या कहूँ, पहले तो ये कहूँगा ऐसा कह दूँ ये भगवान की गलती है जो तुम से ऐसा करवाते हैं, उनको करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, तुम पाप करना चाहते नहीं हो, लेकिन भगवान तुमसे ज़बरदस्ती करवाते हैं, है गलती भगवान की कि नहीं, पर ये उनको नहीं कहा, उनको बताया तुम ये काम करो। अब वो क्या क्या काम करते हैं, एक आया जिसने 1 करोड़ दिया बच्चों के लिए दिया, फिर एक सिंधी भाई आए उनके पिताजी यहाँ ही हैं, बेटा यहाँ पर काम करता है, मुझे नाम याद नहीं है, नारी को याद है सही, वो बच्चा यहाँ है और उसके पिताजी सिंगापुर में है, वो आए हमारे पास इम्तिहान लेने के लिए, बड़ी बातें पूछी, चले गए, नीचे जा करके खड़े हो गए, 15 मिनट के बाद फिर ऊपर आए, मैंने कहा क्या वापस क्यों आए, कहने लगे स्वामी जी मैंने यहाँ स्कूल में देखा जो बच्चे गीता संपूर्ण मूल जवानी बिना किताब देखे और पाठ कर रहे हैं और शुद्ध संस्कृत में, तो बच्चे बच्चे ने कहा देवता है, मेरे मन में आई ऐसे बच्चे, मैंने कई जगह घुमा हूँ पर ऐसे स्कूल मैंने आज तक देख ही नहीं कहीं पर,
जैसी है यहाँ देखिए, तो इसको देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ? मैंने कहा आपकी मर्जी है, करना चाहो तो करो, मैं तो आपको कहता नहीं, आप करो सेवा हमारी। जेब से चेक वेक निकाली, 1,00,000 रुपये का चेक लिख के मुझे दे दिया कि नहीं भाई मेरी तरफ से बच्चों को दूध पिलाना। मैं गौएं खरीद ली, बच्चे दूध पीते हैं, मलाई पीते हैं, शुद्ध दूध मिलते हैं। कहने लगे मैं फिर सेवा करना चाहूँगा, ये बहुत छोटी है। कुछ दिन के बाद फिर आए, 1,00,000 फिर दे गए। फिर तीसरी बार फिर आए, 1,00,000 का चेक फिर दे गए। वो देते गए और मैं मंदिर में लगाता गया, बच्चों में लगाता गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कुछ मैं खर्च कर रहा हूँ ये मेरे आगे आएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी तू कर्म करे, करने से पहले सोच ले कि मुझे आगे कौन सा कर्म चाहिए। अगर फिर मैं इसका इसका एक पैसा मैं खा जाऊंगा, मुझे उत्सुकता करना पड़ेगा। और मनुष्य की अभी उसने बताई, मनुष्य शरीर भगवान ने अच्छा बनाया, सबने क्या दी, दो आँखें दी है, ये बेटी ने सब बताया, दो आँखें दी है, लेकिन भगवान ने एक पेट भी दिया है। अगर वो मैं खा जाऊंगा वो वापस मुझे, अगर मैं गधा भी बनूंगा तो वो गधा बन के मुझे मजदूरी चुकानी पड़ेगी, घोड़ा बनूंगा तो घोड़ा बन गए, अगर पति बनूंगा तो पति बन करके मुझे देना पड़ेगा, कर्म मेरा आगे जाएगा। गुरु जी ने कहा कर्म तेरा आगे जाएगा, तो कर्म जो करना है वो सोच ले आगे तुझे कैसा कर्म चाहिए। तो मुझे ये लगा मंदिर बना लो तो मंदिर में लाखों आदमी जाएंगे, वहाँ क्या करेगा, इसको डांस तो नहीं करेंगे, गाने तो नहीं गाएंगे, वो जाएंगे वो हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, सबका कल्याण होगा। तब मैंने तब से मंदिर बनाने शुरू कर दिए, कई मंदिर बनाए, कई विद्यार्थियों को बनाया है, और विद्यार्थियों को फ्री भोजन कपड़ा रहता, सब कुछ, सारा खर्चा माँ बाप का एक पैसा खर्च नहीं। अब कई माँ बाप मेरे पास आते हैं, स्वामी जी मेरे बच्चों को आप ले लो, स्वामी जी मेरे बच्चों को आप ले लो, हम कहते हैं लाओ। बच्चे आ जाते हैं और उन बच्चों को फ्री भोजन मिलता है, ये काम यहाँ बैठे, ये बैठे ठाए तो ठाए बट जो हाथी गाते हैं ना, ये वहाँ आएंगे हमारे, इन्होंने देखा जब ये आए तब तो 100 बच्चे थे, अब आज 500 बच्चे हैं और अगले साल तक 1,000 हो जाएंगे। और आप सबसे यही कहता हूँ कि आपके पास अगर बच्चे हो, आप बच्चे मुझे दो, मैं उनको महापुरुष बनाऊंगा, क्योंकि हमारे वहाँ जो भी बच्चा आएगा वो अबे अरे वो ऐसा नहीं बोलेंगे, तो टेलीफोन भी उठाएंगे तो आप लोग टेलीफोन पे कहते हो क्या अल्लाह हो करते हो ना, तो हमारे यहाँ तो टेलीफोन उठाएंगे तब कहेंगे जय श्री कृष्ण, तो जय श्री कृष्ण बोले तो समझो ये गीता आश्रम के बच्चे हैं, आपसे मिलेंगे तब कहेंगे जय श्री कृष्ण। जो वहाँ आ जाते हैं, एक भाई आए उसने देखा कि बच्चों ने गीता पाठ किया, सारी गीता उन्होंने मुंह जवानी पाठ करी, वो आए मुझसे ये पूछते कि आदमी का मरने के बाद क्या होता है, ऐसी बातें पूछी मुझसे, कई बातें पूछी, भगवान है या क्या, भगवान है तो फिर भगवान से काम क्यों करवाता है हमको, जो अर्जुन ने पूछा, जो अभी नारी भाई ने पूछा, भगवान हमसे पाप क्यों करवाते हैं, हम तो पाप करना नहीं चाहते, तो उसको मैं क्या कहूँ, पहले तो ये कहूँ कोई ऐसा कह दूँ ये भगवान की गलती है जो तुमसे ऐसा करवाते हैं, उनको करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, तुम पाप करना चाहते नहीं हो, लेकिन भगवान तुमसे ज़बरदस्ती करवाते हैं, है गलती भगवान की कि नहीं,
और ये उनको नहीं कहा, उनको बताया तुम ये काम करो। अब वो क्या क्या काम करते हैं, एक आया जिसने 1 करोड़ दिया बच्चों के लिए दिया, फिर एक सिंधी भाई आए उनके पिताजी यहाँ ही हैं, बेटा यहाँ पर काम करता है, मुझे नाम याद नहीं है नारी को याद है सही, वो बच्चा यहाँ है और उसके पिताजी सिंगापुर में है, वो आए हमारे पास इम्तिहान लेने के लिए, बड़ी बातें पूछी चले गए, नीचे जा कर के खड़े हो गए, 15 मिनट के बाद फिर ऊपर आए। मैंने कहा क्या वापस क्यों आए, कहने लगे स्वामी जी मैंने यहाँ स्कूल में देखा जो बच्चे गीता संपूर्ण मुँह जवानी बिना किताब देखे और पाठ कर रहे हैं और शुद्ध संस्कृत में, तो बच्चे ने कहा देवता है, मेरे मन में आई ऐसे बच्चे में, मैंने कई जगह घूमा हूँ पर ऐसे इसको मैंने आज तक देखी नहीं कहीं पर जैसी ये यहाँ देखी है, तो इसको देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ, मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ। मैंने कहा आपकी मर्जी है, करना चाहो तो करो, मैं तो आपको कहता नहीं कि आप करो सेवा हमारी। जेब से चेकबुक निकाली, 1 लाख रुपये का चेक लिख के मुझे दे दिया, यानी मेरी तरफ से बच्चों को दूध पिलाना। हमने गौएं खरीद ली, बच्चे दूध पीते हैं मलाई पीते हैं शुद्ध दूध मिलता है। कहने लगे मैं फिर सेवा करना चाहूँगा, ये बहुत छोटी है। कुछ दिन के बाद फिर आए, 1 लाख फिर दिए गए, फिर तीसरी बार फिर आए, 1 लाख का चेक फिर दिए गए, वो देते गए और मैं मंदिर में लगाता गया, बच्चों में लगाता गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कुछ मैं खर्च कर रहा हूँ ये मेरे आगे आएगा। मेरे भाई ने तो जरा सा पूछा ऐसा क्यों आदमी करता है, इसका क्या उपाय है कि जब हम ठीक काम करें पाप का काम न करें, तो करने से पहले हम सोच लें कि ये काम जो है ये हमारे आगे जाएगा, जहाँ हम जाएंगे हम पीछे जाएंगे ये आगे चला जाएगा। तो आप यहाँ आके आपको यहाँ आगे मिल गया, आपने शादी करी घरवाली मिल गई आपके बच्चे पैदा हो गए, अब जैसे आपने करनी करी वैसे बच्चे हुए, तो वो यहाँ है बच्चा भी है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, उसके पिता है जिन्होंने मुझे लाख लाख के चेक दिए 3 बार हैं, मिठू, हाँ मिठू चंद्रा, तो ये चंद्रा जी यही यहाँ भी बैठे हैं, यही चंद्रा हैं, हैं मिठू आपके भाई हैं, वो मिठू का लड़का है यहाँ पर हैं, यही है हाँ। तो ऐसे कई लोगों ने दिए हैं और देते हैं, तो हम देते समय हमको वापिस खर्च करते समय सोचना चाहिए ये जो हम दे खर्च करें तो कहाँ करें कैसे करें। तो हमने वो पैसा लेकर के मैं चाहता तो सिनेमा देखने रोज जाता, लेकिन मैंने कभी आज तक सिनेमा देखा ही नहीं, मैं चाहता तो चाय रोज पीता, आज तक की जिंदगी में मैंने चाय चखी नहीं, बीड़ी नहीं चखी, सिगरेट नहीं चखी, कुछ नहीं कहा। एक भाई ने मुझसे पूछा स्वामी जी आप सिगरेट नहीं पीते, मैंने नहीं, आपने बीड़ी नहीं पीते, बोला नहीं, अरे चाय भी नहीं पीते, बोला नहीं, आपने अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करी। बच्चे ने कह दिया लाइफ एंजॉय नहीं करी, मैंने कहा तेरे घर वाले कर रहे हैं एंजॉय वो काफ़ी है, मुझे लाइफ एंजॉय आगे का विचार करना है क्योंकि ये सब मेरे आगे जाएगा। तो थोड़े में एक जवाब है, जो कुछ हम करते हैं ये करने से पहले सोच लें कि हमको क्या चाहिए, क्योंकि ये कर्म तुम्हारा आगे जाएगा, और वो कर्म है वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती चलेगा और तुम नहीं बुलाओगे तो भी आ जाएगा, अनइनवाइटेड आएगा। और इसलिए जब आप ये काम करने लग जाएंगे तब आपका कामना आपकी ख़त्म हो जाएगी, कामना खत्म हो गई तो क्रोध खत्म हो गया, कामना गई क्रोध गया, क्रोध से बड़ा और कोई शत्रु हमारा है नहीं इस दुनिया में। सभी चाहते हैं हमें क्रोध ना आवे, हमें नहीं आवे ये भी तो चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं
हम जिससे मिले उसको भी क्रोध हमारे ऊपर क्रोध ना आवे, साथ साथ ये बहू मुझ पर क्रोध न करे, बहू चाहती है साथ मुझ पर क्रोध न करे, और करती दोनों हैं, फिर चाहने से क्या फायदा हुआ। स्कूल में पढ़ने जाता है बच्चा, चाहता है कि गुरुजी मेरे पर गुस्सा न करे, और गुरुजी सोचते हैं कि बच्चे हम पर गुस्सा न करे, हम प्रेम से रहें, लेकिन दोनों गुस्सा करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों काम करते हैं, वो काम काम खुद हमको बता देता है कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए ठीक है या बेठीक है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। और गीता इसमें आपको रास्ता बता देती है, गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अब मुझे आज गीता पर कुछ कहना था, मैंने बहुत कुछ सोचा कि देरी हो जाएगी, बीच ने मुझसे प्रश्न पूछ लिया कि ये कैसे इसका उपाय होता है। तो उपाय ये है, जो कुछ अभी घड़ी घड़ी में मेरी आँख पहुँच रहा है, समझे, तो इसकी ये आँख पूछने वाली करनी इसकी है, ये इसकी आगे जाएगी। मैंने आपको जो बात कही है, ये बात जैसी मैंने आपको कही है आपके आगे जाएगी। आप जो कुछ कर रहे हो, यहाँ आते हो या यहाँ आना आपका, ये आपके आगे जाएगा। तो आप जो कुछ करो सोच लो कि हमको क्या करना है, वो आपके आगे जाएगा, कर्म ही आगे जाएगा और कोई आगे जाएगा नहीं। तो गुरु जी ने बता दिया रास्ता चेले को, चेले के समझ में आ गया, फिर चेले ने काम छोड़ दिया, और काम छोड़ दिया तो क्रोध अपने आप चला गया, आपका क्रोध भी चला जाएगा, आपका काम भी चला जाएगा। अगर आप सिर्फ यही सोच लोगे मुझे आगे क्या चाहिए, अब यहाँ से उठो गया आप तो सब इधर से जाओ दरवाजे की तरफ, इधर दीवार की तरफ से कोई नहीं जाएगा, जानते हैं दीवार की तरफ जाएंगे सिर फूटेगा, दरवाजे की तरफ से जाएंगे खुला रास्ता मिलेगा। तो आपको वो स्वयं आपका कर्म जो है वो आपको बता देगा कि आप कौन सा कर्म करोगे। आप वो मिठू की मिठू चेंगराई की तरह आप बच्चों के लिए कुछ दे भी सकते हो, मैं उन बच्चों में सब लगा देता हूँ जो भी आता है। जिस भाई ने ये 1 करोड़ दिया था इसको, इसने कहा कि उसने पूछा तुमने वो 1 करोड़ कहाँ किया, इसने तो कह दिया हमने गुरु जी को दे दिया, वो मेरे पास आए स्वामी जी आपको 1 करोड़ रुपया दिया, आपसे बोला आपने क्या किया, मैंने कहा मैंने उसको बैंक में रख दिया है, उसका जो ब्याज आता है वो मैं बच्चों को दूध पिलाता हूँ, गाय खरीद ली है, और खाना खिलाता हूँ, अनाज आ जाता है लोग भेज देते हैं, मैं खरीद के नहीं रहता हूँ। वो बड़ा खुश हुआ कि आपने उसको ऐसा कर दिया, बोला बोला मैं और दूंगा तेरी मर्जी, तो उसने मुझे बिरला कर दिया। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि आपको मालूम है आप जो कर रहे हो ये काम आपके साथ आगे जाएगा और आपको भुगतना पड़ेगा सुख या दुख, लेकिन आप क्या करते हो, जब दुख आता है, जब बिजनेस डाउन हो जाता है तब आप भी डाउन हो जाते हो, जब बिजनेस अप होता है तब आप भी अप हो जाते हो। 7 मंजिल का एक मकान था, उसके ऊपर से एक चीनी आदमी कूद गया, नीचे आके सड़क पर गिर गया, सिर फट गया खरबूजे की तरह, खून खून हो गया सड़क के ऊपर। ये क्या हुआ, बोला शेर डाउन हो गए। तो शेर डाउन हो गए तो ये डाउन क्यों हुआ, उनके डाउन हो जाने से शेर आप थोड़ी हो जाएंगे, तो शेर तो डाउन हो गए, वो भी डाउन हो गया, शेर के साथ साथ डाउन हुआ। तो भाई ने मुझे 60,000 अपने शेयर्स जो थे वो दे दान कर दिए, इन स्कूल के लिए उन्होंने मंदिर में लगा दिए, मंदिर में चाहिए 60 करोड़ रुपया, 60,000 आ गया तो क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि हम जो कुछ करते हैं वो हमारे आगे जाएगा, न घरवाली आगे जाएगी, न तुम्हारे बच्चे आगे जाएंगे, वो तो नहीं तो दोगे तो तुमसे लड़ेंगे,
घरवाली को नहीं दोगे घरवाली लड़ेगी, बच्चों को नहीं दोगे बच्चे लड़ेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। ऐसा काम करो कि जिसे तुमको चिंता न करनी पड़े और तुम्हारे सारे काम ऐसे हों कि आगे तुम्हारे से जो आगे जाएंगे वहाँ तुम्हारे लिए सफलता से अच्छा कर देंगे। तो अब यह आप सोचो कि मुझे भी करना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए या सिनेमा हाउस बनाना चाहिए। सिनेमा हाउस बना दिया तो मेरे सारे बेटे उस हाउस के ऊपर लड़ेंगे, मुकदमा करेंगे, वकील उनकी बिना उसके के हजामत करेंगे, और कोर्ट और वकील उनको अपने पास से एक पैसा देंगे नहीं और उनसे लेंगे। फिर भी ये कोर्ट में जाते हैं, मुकदमाबाजी करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये पूछने की जरूरत नहीं है कि पाप कौन करवाता है, हम खुद करते हैं पाप। पुण्य कौन करवाता है, हम खुद करते हैं पुण्य। हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल जो है वो आगे हमको मिलता है और उसी वो हमको भी भोगना पड़ता है। आप प्रेम से एक बार जय बोल दो भगवान की, ताकि ये जय तो इतनी देर बोले नहीं हो, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप जय तो बोल दो प्रेम से, बोल कृष्णचंद्र भगवान की, ऐसी धीरे जय ना जोड़ी तगड़ी जय बोलो, कमर सीधी करके बोलो और जोर जोर बोल कृष्णचंद्र भगवान की। अब की जटी हुई, एक बार फिर बोलो, तीन बार बोलनी चाहिए, बोल कृष्णचंद्र भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे